Hello everyone, welcome to MaPhystry coaching. Today we are going to start question number 9 of exercise 3.3. Okay. तो first eight questions में I hope आपको कोई doubt नहीं है और अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment sections में पूछ सकते हो. And आपने अगर आप इधर वो video नहीं देखे तो आपको उसका link description में मिल जाएगा. Question number 9 में आपको prove कर रहा है same वैसे ही question जो हमने previous lecture में discuss किए थे. This is equals to 1. आपको ये प्रूफ करना है तो आप कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे और आप प्रूफ कर दोगे equals to 1, which is equals to right hand side. Right hand side पे आपके 1 है. Okay. तो यहाँ पे आप देखो 3 pi by 2 plus x. यहाँ पे 2 pi plus x. Next है 3 pi by 2 minus x. Next है 2 pi plus x. तो यहाँ पे अगर आप कोई फॉर्मूला बनाना भी चाहो तो वो बन नहीं रहा. आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो? देखो 3 pi by 2 plus x की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया था. 3 pi by 2 क्या होता है? 270 डिग्री. आप इसको चेक कर सकते हो. 3 pi by 2 लिख लो, पाई की जगह आप क्या पुट कर देते हो? 180 डिग्री over 2, विच इज इक्वल टू 270 डिग्री. ठीक है, तो आप यहाँ से देखो जब भी 270 में कुछ ऐड करोगे, मतलब यहाँ पे 3 pi by 2 में कुछ ऐड करोगे तो आप लोग यहाँ पे पहुंच जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos पॉजिटिव. cos यहाँ पे पॉजिटिव है. ओके, बट 270 में और क्या काम करना है? t रेशियो चेंज करनी है. तो यहाँ पे जो cos है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में. cos साइन में कन्वर्ट होगा. 3 pi by 2 ने मुझे बता दिया ये पॉजिटिव होगा एंड ये क्या बन जाएगा? साइन. साथ में अब एंगल कौन सा आएगा? जो गिवन है x. उसके बाद ये cos 2 pi plus x. जब भी मैं 2 pi में कुछ ऐड करूंगी तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगी. और 2 pi में t रेशियो चेंज नहीं होती, 360 में नहीं होती. तो cos का क्या रहेगा? cos ही रहेगा 2 pi plus x, साथ में x. उसके बाद हमें ये कोण 3 pi by 2 माइनस x. मतलब यहाँ से कुछ माइनस करके तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगी. और यहाँ पे कोण जो है वो पॉजिटिव होता है. साइन तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाला है. उसके बाद यहाँ पे क्या है? 270 की बात करें तो आपको पता है 270 के केस में t रेशियो चेंज हो जाती है. तो cos चेंज हो जाएगा tan के अंदर, साथ में x प्लस cot 2 pi plus x. cot 2 pi plus x, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और t रेशियो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी. cot का cot ही रहेगा. दैट्स इट. सिर्फ आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, t रेशियो 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के केस में ही चेंज होती है, विच इज इक्वल्स टू. अब आपको इसको प्रूव करना है 1. ठीक है, अब कैसे करोगे? अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो तो भी कोई ऐसे फायदा नहीं होगा, आपके पास 1 तो हो जाएगा. और इस पे आप कोई फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो क्या करोगे? यहाँ पे देखो साइन को साइन, ठीक है, कोस का कोस, टैन को आप कैसे लिख सकते हो? साइन ओवर कोस लिख सकते हो. तो इसको सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है. tan की जगह मैंने लिख दिया sin x ओवर cos x प्लस cot x की जगह क्या लिखूं? cos x ओवर sin x. अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके. इधर हमें एक sin x में क्यों इसको सिंपलीफाई करना है आप अभी देखना. यहाँ पे sin x cos x है ना, तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगी तो sin x cos x में कंबाइन हो जाएगा, फिर मैं कैंसिल कर पाऊंगी नहीं, है ना. तो वही करने के लिए मैं कर रही हूँ, एलसीएम लूंगी तो sin x cos x और ऊपर क्या बन जाएगा? sin square x प्लस cos square x. sin square x cos square x ओवर sin x cos x. ये और ये मैंने कैंसिल कर दिया. अब यहाँ पे आपको पता है sin का थीटा प्लस cos का थीटा इज 1 ऑलवेज. ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास. तो मेरे पास बचा था sin square x plus cos square x, which is equals to 1, which is equals to राइट हैंड साइड, दैट्स इट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन। आप लोग क्या ध्यान में रखो, जब भी आपके पास tan, cot, secant, cosecant आ जाए ना, तो उसको सिंपल करके लिखिए ना उस साइन को उसके अंदर, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा और क्वेश्चन जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लिया था। यहाँ पे क्या है, sin n+1 into x, sin n+2 into x plus cos n+1 into x, cos n+2 into x which is equals to cos x आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, अगर मैं इसको a मान लूं, चलो मैंने इसको a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मेरा a होगा cos के साथ, नेक्स्ट cos मेरे क्या हो जाएगा b, cos b। तो अगर आप ध्यान रखो, अगर a आप n+1 into x को ले रहे हो, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन a आपका n+1 into x ही रहेगा। तो यहाँ पे n मूल क्या है, n+1 into x, n+2 into x, a b मान लिया, तो a b के साथ आपका क्या बना, sin a sin b plus cos a cos b, इस तरह से बना। और आपको फॉर्मूला पता है इसका, sin a sin b का cos a cos b का वो क्या था, हमने किया था। अगर तो cos a cos b का फॉर्मूला आपको चाहिए, तो आपको 2 टाइम्स cos a cos b का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, cos a plus b plus cos a minus b, बस। और यहाँ पे क्या है, cos a cos b, 2 तो नहीं है, तो 2 को मैं उस साइड ले जाती हूँ, तो ये पूरा का पूरा 1/2 इसके साथ आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या आपका, sin a sin b, तो आपको फॉर्मूला पता है, -2 टाइम्स sin a sin b का विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos a plus b माइनस cos a minus b। अगर यहाँ पे हम माइनस लेके चले तो वहां पे क्या आता है, माइनस। अब इस 2 को उस साइड ले जाओ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए 2, है ना, तो मैंने 1/2। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रैकेट लगा दिया करो कि पूरे के साथ है 1/2, एंड साथ में यहाँ क्या है, माइनस, तो मैं माइनस भी ले जाती, मुझे माइनस भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे पूरे के साथ माइनस भी लगा सकते हो, या फिर मैं अंदर ही लगाती हूँ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, ओके। तो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू साइन, सबसे पहले साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, 1/2 ऑफ माइनस कोस ए प्लस बी, एक्स दोनों के साथ है, ए बी बी के साथ भी, तो मैंने कॉमन में एक्स लिख दिया, सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है मेरे पास, प्लस कोस ए माइनस बी, cos n+1 माइनस n+2 को ब्रैकेट में रखना क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाया मैंने, साथ में x कॉमन, एंड नेक्स्ट फॉर्मूला प्लस cos a cos b का ये फॉर्मूला, प्लस 1/2 ऑफ cos a प्लस b, मतलब n+1 प्लस n+2 इंटू एक्स प्लस cos a minus b, n+1 minus n+2 into x, that's it। तो अब आप देखो यहाँ पे 1/2 ये पूरे के साथ है, यहाँ 1/2 पूरे के साथ है, तो यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, 1/2 कॉमन ले सकती हूँ, चलो मैंने 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, एंड ये 1/2 सारे के साथ हो गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये एंड ये आपस में बिल्कुल इक्वल है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का एक माइनस का, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा, 1/2 ऑफ कोस n+1 माइनस, इसको अगर मैं सोल्व करके लिख लू, n+1 माइनस n -2 इंटू एक्स तो अब देखो cos ऑफ दिस ये भी चलो कैंसिल हो गया, एन एंड एन एक प्लस का एक माइनस का, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा cos ऑफ 1 माइनस 2 इज cos ऑफ माइनस 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ भी क्या बचेगा cos ऑफ माइनस 1 इंटू एक्स। अब आप देखो cos ऑफ माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस 6 प्लस cos ऑफ माइनस 6। तो आपको पता है cos माइनस 6 क्या होता है, cos x ही होता है, वो माइनस अपने अंदर ले लेता है, हाफ ऑफ cos x प्लस cos x विच इज इक्वल्स टू cos x प्लस cos x इज 2 टाइम्स ऑफ cos x। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू cos x। दैट्स इट, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। क्या दिख रहा है आपको cos cos है, बीच में साइन क्या है cos माइनस का साइन है, एंड a एंड b। 3π/4 प्लस एक्स को a ले लिया एंड 3π/4 माइनस एक्स को मैंने b ले लिया, जिसका फॉर्मूला मुझे पता है ये होता है माइनस 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये गिवन आपको प्रूफ करना है माइनस रूट 2 साइन एक्स आपका राइट हैंड साइड है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं सबसे पहले, फिर आप देखते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला, ध्यान से देखना। माइनस 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी 3π/4 प्लस एक्स प्लस बी क्या होगा ये 3π/4 माइनस साथ में साइन ए माइनस बी साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं इस ब्रैकेट को यही ओपन कर लूं मेरे पास क्या बनेगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद देखो एक्स एंड एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी ओवर 2 भी तो था, यहाँ पे x एंड x क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे 3π/4 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 3π/4 माइनस 3π/4 इज 0, तो ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बचा माइनस 2 टाइम्स साइन, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं क्या बनेगा 6π/4 साथ में नीचे क्या है 2, यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस एक्स 2x, नीचे क्या है मेरे पास 2। Okay? तो यहाँ से अगर मैं कैंसिलेशन करूं तो मेरे पास क्या बचा है माइनस 2 टाइम्स साइन 3π/4 साथ में साइन एक्स। अब यहाँ पे आप लोग देखो क्या बन रहा है आपके पास, आपको तो प्रूफ करना है रूट 2 ऑफ साइन एक्स। अगर आप यहाँ पे देखो 3π/4 ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ऐसा सेम क्वेश्चन किया था। वो क्या था अगर मुझे 3π/4 की वैल्यू किसी तरह से पता चल जाए, साइन एक्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो जो रूट 2 बचा वो शायद यहाँ से कहीं से बन जाएगा, तो वो मैं ट्राई करूंगी। वो कैसे करूंगी देखो माइनस 2 टाइम्स साइन, अब नीचे 4 है ऊपर 3 है एंगल के अंदर, नीचे अगर एक ज्यादा तो मुझे कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा पाई माइनस π/4, ये हमने रूल सीखा था वहां पे। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो 3π/4 ही आता है साथ में साइन एक्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है 180 माइनस समथिंग करूंगी, अगर 180 माइनस समथिंग करूं तो क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2 साइन π/4 इंटू साइन एक्स विच इज इक्वल टू साइन π/4 होता है 1 by root 2 इंटू साइन एक्स। ऊपर चाहिए मुझे रूट 2, यहाँ पे कहाँ पे नीचे है ना, तो मैं क्या करूंगी साइन एक्स को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ थोड़ा सा दूर, रूट 2 को मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी, ये तो हमें अलाउड है ना। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 इंटू रूट 2, यहाँ पे लिखती हूँ -2 इंटू रूट 2, नीचे क्या होगा रूट 2 इंटू रूट 2 विच इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड कैंसिल हो जाएगा 2 से ये 2 cancel which is equals to minus root 2 into sin x. That's it. Next question है, तो ये आपको given है next question में sin square 6x minus sin square 4x को आपको prove करना है sin 2x into sin 10x. तो यहाँ पे आप देखो, आपको ये पता है इसको अल्टरनेटली में इस तरह से भी लिख सकते हो. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ये होल स्क्वायर होती है, यहाँ पे sin 4x होल स्क्वायर होगी यहाँ पे. तो ये क्या बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना. और हमने क्लास 10 या 11 में ये किया होता है फॉर्मूला a plus b a minus b. a square minus b square is equals to a plus b a minus b. सिंपली यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं क्योंकि मुझे कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा इसका sin square x minus sin square a minus cos sin square b का मुझे कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा. तो मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखती हूँ, क्या पता आगे मिल जाए ना. विच इज इक्वल्स टू साइन a क्या है मेरा 6x प्लस b क्या है मेरा 4x साइन a प्लस साइन b. सॉरी साइन a क्या है 6x प्लस साइन b 4x. ठीक है, साथ में a माइनस b भी लगाना है साइन 6x माइनस साइन 4x लगा लिया हमने प्लस b माइनस b. उसके बाद देखो ये फॉर्मूला साइन a प्लस साइन b का, ये साइन a माइनस साइन b का, ये फॉर्मूला हमें पता है वो क्या है. ये आपको याद रखनी है ये दोनों फॉर्मूले. यहाँ पे क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन a प्लस b बाय 2 मतलब 6x प्लस 4x बाय 2. ठीक है, साथ में क्या है cos a माइनस b बाय 2 cos दिस माइनस दिस बाय 2. साथ में हमने क्या करा है sin a माइनस sin b का फॉर्मूला, वो मेरे पास क्या बनेगा 2 टाइम्स cos a प्लस b बाय 2 6x प्लस 4x बाय 2 साथ में sin a माइनस b बाय 2. ठीक है, तो आपके पास ये बन गए दो फॉर्मूले दिस एंड दिस. अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन 6x प्लस 4x इज 10x ओवर 2 5x कोस यहाँ पे क्या बनेगा 6x माइनस 4x इज 2x 2x ओवर 2 इज x. एंड साथ में मेरे पास क्या है 2 टाइम्स कोस दिस प्लस दिस. तो ये मेरे पास अल्टीमेटली 5x आने वाले. नेक्स्ट मेरे पास आएगा साइन x. अब आप लोग यहाँ पे देखो क्या बना 2 साइन 5x कोस x 2 कोस 5x साइन x. इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोस x. ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन 2x है यहाँ पे 2 एंड x x. ठीक है, यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे x एंड x है और आंसर आपका साइन में ही है. ठीक है, तो अगर वो मुझे अप्लाई करना है तो मुझे x और x तो एक साथ रखने पड़ेंगे ना. अगर यहाँ पे साइन 5x है तो साथ में मैं cos 5x रख लूं क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में इसको मैं एडजस्ट कर सकती हूँ साइन 5x इंटू cos 5x 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स. सिर्फ मैंने एडजस्ट किया, वो आपको पता है क्योंकि आप फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए. अब यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे 2x होगा मतलब अगर यहाँ पे 5x है तो उसका डबल 10x होगा साइन 10x एंड साथ में साइन x है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 12 आर सिमिलर. तो ये आपका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. सबसे पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने a प्लस b a माइनस b. उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ये दोनों फॉर्मूले. ठीक है, एंड यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे. फिर से इसको रीअरेंज करके लिख लो, एंगल साथ साथ वाले लिख लो, 4x वाले इकट्ठे लिख लो एंड 2x वाले इकट्ठे. तो आपके पास वही साइन 2x का फॉर्मूला था जो 2 साइन x cos x वाला, उससे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा. तो तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आई होप आप सबको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में